सारी गाड़ियों की बैंड बज चुकी भाई, स्टन पे कोई गाड़ी नहीं चल पा रही है। मैं भी आ गया। गंदा फंस गई है तो। ये देखो कैसी स्लिप हो रही है आगे वाली गाड़ी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनंतनाग। बाहर के नज़ारे देख रहे हो, सही है, उधर दूर सनराइज होने वाला है। और इस खिड़की में ना पूरा ओस जम गया था, ओस उसको मैंने अभी ना साफ किया है। बहुत ही ठंड है, टेम्परेचर अभी हो रखा है अनंतनाग में -3। टाइम हो रखा है 7:42। पहले हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे अराउंड 7:30 या 8 बजे तक, बट फिर भैया ने बताया होटल वाले कि आप लोगों को निकलना चाहिए 8:30 बजे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आप परेशान हो जाओगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है 8:30 बजे निकल जाएंगे। तो अभी प्लान है कि हम 8:30 बजे निकल जाएंगे गुलमर्ग के लिए। है मज़े आने वाले हैं। -9 हो रखा है गुलमर्ग में, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, फुल फन आएंगे। और आज एक्चुअली में रियल चैलेंज भी है गुलमर्ग जाने का, क्योंकि सबसे टफेस्ट डे मेरे हिसाब से आज ही होने वाला है राइड का। ये देखो हीटर चला के मैं ना अभी फाइनली ग्लव्स और गर्म कर रहा हूँ, पूरे ड्राई हो जाए, अदरवाइज जब हवा अंदर घुसती है ना उनमें तो वो गीली हो जाती है और बहुत ही ठंड लगती है। होटल सही है यार, पाइंस करके है, 1000 रुपये पर रूम है, तो सही है एक रात के हिसाब से। मेट्रो सेटस अच्छा है, हीटेड बेड था, बढ़िया नींद आ गई। अरे मॉर्निंग शुभम ना आ रहा है। अरे शुभम पागल हो गए हो क्या? हम गुलमर्ग पहुंच के ना आएंगे। विनय शुभम लग रहा है कि ना क्या है? लग रहा पक्का बताओ, नहीं लग रहा ना? तुम साले बाल्टी मक्की से आवाज निकाल के आए हो ना? घर पे मम्मी को भी ऐसे ही वो करता होगा कि मम्मी को जो मम्मी ना लिया मैंने। -3 भैया, करेक्ट योर सेल्फ। धूप तो आ गई। एनीवेज हमारी ब्रेड टोस्ट और चाय आ गई है, चाय पीते हैं, ब्रेड टोस्ट खा दें, बस यहाँ से फटाक से निकलते हैं। व्हाट अ सनी डे, अनंतनाग में मस्त धूप आ रखी है। और हमारी बाइक्स देखो यार, बाइक की हालत देखो, इतनी गंदी हो रखी है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं इनको, बाकी जो है रोज ही गंदी हो रही है। तो भाई बाय बाय टू अनंतनाग, बढ़ते हैं गुलमर्ग के लिए। पहले भराना है पेट्रोल, सिर्फ 1 पॉइंट बचा है गाड़ी में। बोले वो लोग सीधा निकल गया, मेरे को लग रहा है वो लोग सीधा निकल गए। वहाँ पे तेल है 99 रुपये 41 पैसा, 99 रुपीज़ 41 पैसा, यानी कि क्लोज टू 100 रुपीज़। फिलहाल हम अनंतनाग क्रॉस कर चुके हैं। भैया हम तो बाइक लेके आ सकते हैं ना अंदर। सर जी भैया बाइक आ जाती है इस पे? पहली वाली क्या है ये, मैं जितने नेक वार्मर वार्मर है ना सब पहन लूँगा पहले ही नंबर पे, उसके बाद बाकी काम होगा। भैया खाना वाना है? बस ठीक है, जो होगा खा लेंगे। चप्पा चप्पा अब तक की सबसे चिलेस्ट राइड करी हमने, बैंड बज गई भाई। देखो दो ऑमलेट आ गए, कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? ये मसाला ऑमलेट, ये प्लेन ऑमलेट, और हम ब्रेड बोलना भूल गए तो ब्रेड नहीं लगाई भैया ने। और ये आ गया हमारा शानदार आलू प्याज का परांठा। खाना और ब्रेकफास्ट इतना सही है ना इस रेस्टोरेंट का, ये देख रहे हो पूरी टेबल भर ली, जबकि हम एक परांठा 3 ऑमलेट ऑलरेडी खा चुके हैं। ये सेकेंड राउंड है, मतलब लंच भी हमने यहीं बना लिया। और ये भैया है जो हमें खिला रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? हाकिब। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है आपने भैया, और लोग आएंगे तो आप उनको भी खिलाओगे? अच्छा, अरे वाह, चलो ठीक है भैया, थैंक यू। तो अभी श्रीनगर रह गया सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर दूर, और गुलमर्ग यहाँ से है 1 hour 43 kilometers, यानी कि 71 kilometers। क्या रोड है, क्या व्यू है, और क्या मज़े आ रहे हैं बाइक चलाने में। और ये सामने से एक ऑटो वाले भैया आ गए हैं उल्टी डायरेक्शन में। ओए होए मज़े आ गए भाई, दिल खुश हो गया।
इस स्ट्रेच में ना 90, 100, 110 जितना भी चलाना चला, मस्त गाने सुनते हुए जा रहे हैं। मैं और विनय ना गाने शेयर कर रहे हैं अभी, जो मेरे इसमें सेना में गाने चल रहे हैं वही विनय सुन चल रहा है। ये पहाड़ ये वादियाँ भाई दिल में बस गए हैं, मजाक नहीं बिल्कुल सच बात है। ऐसा लगता है ना जैसे मतलब सोल को टच कर जाते हैं ये, कहते नहीं कुछ ऐसा होता है जो आपकी आत्मा को छूता है, बिल्कुल वो चीज़ है ये। हर टेंशन पीछे छोड़ के बस गाने सुनो और बाइक चलाते रहो, क्या बात है। कुछ नहीं है भाई लाइफ में, कुछ नहीं है, परिस्थिति जैसी भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, भाई फन करते रहो, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये रास्ता गुलमर्ग जा रहा है लेफ्ट, ये रास्ता आगे उरी बारामुल्ला जा रहा है। तो एक्चुअली सुबह हम लोगों का वेट कर रहे हैं, कहीं वो लोग मिस ना कर जाएं, पता नहीं मैप चलाया कि नहीं चलाया उन्होंने, तो हम लोग यहाँ वेट कर लेंगे, जब वो आ जाएंगे तो यहाँ निकल जाएंगे। बाकी ठंडी अच्छी है, क्यों मैंने फट रही ना मस्त सही है भाई, मज़े आ रहे हैं। क्या गर्मी लग रही है बताओ, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, हम ठंडी मर रहे हैं, ये लोग गर्मी मर रहे हैं। तो भाई गुलमर्ग वाली रोड में हम लोग लेफ्ट टर्न मार चुके हैं, और वो जो पहाड़ जो दूर दूर दिख रहे थे ना, अरे भैया लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है शुभम हुआ साला उल्टी डायरेक्शन से ओवरटेक कर गया, मेरी फट गई तो जो है जो पहाड़ जो बिल्कुल दूर दूर थे वो बिल्कुल पास पास आ गए भाई साहब। मेरे को लग रहा है गुलमर्ग पहुँचते पहुँचते तो जो है ना आतंक मच जाएगा। तो भाई ये शहर जो है ये है मगम, MAGM, काफ़ी बड़ा शहर है ये भी, अच्छी भीड़ है यहाँ पे, मार्केट बहुत ही बढ़िया है यहाँ की, बहुत सारे जो है लोग जो है मार्केट में घूम रहे हैं। और यहाँ पे सारे लोग ना ये इस तरह का ड्रेस पहन के रहते हैं, बड़ा सा कुर्ता, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है ठंडियों से बचाता होगा, सही लगता है देखने में, सब यही अरे भाई गेट खोल दिया था सुमो वाले ने भी, कांड होता। कुछ भी कहो विनय, अभी भी लोग इस बाइक को मुड़ मुड़ के देखते हैं, आवाज़ जब लोग देख रहे होते ना मैं और एक्सीलेटर के फड़ 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 कर देते लो बेटा और मजे लूट लो तुम। जम्मू में खुल गया ना? हाँ हाँ, जम्मू के तो बहुत सारे लोग पास है, वो अनीस जी जो हैं उनके पास भी है, उन्होंने तो पूरा बताया। तो भाई लोग रोड के किनारे बर्फ़ हो गई स्टार्ट, और बड़ी फ्लेकी सी बर्फ़ है चमचमाती हुई। शुभम और सार्थक को पीछे रोक लिया गया है, वो लोग आ रहे हैं, कुछ पुलिस पूछ पूछ रही है, फिर आएंगे कुछ चार्ज वार्ज। ओरे यार विनय लेफ्ट में देख रहे हो ये, ओए होए 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 क्या सही मैदान दिख रहा है यार, ये तो सेब के बगीचे हैं, पूरे खाली हो रखे हैं अभी, कुछ नहीं है इनमें, बर्फ़ जम रखी बस, ये तो गजब चीज़ है भाई। ठंड बढ़ती जा रही है, और गुलमर्ग अभी भी है अराउंड, पता नहीं कितना मैप में दिख नहीं रहा, ओ भाई ये है गुलमर्ग की वैली, अभी तो आई भी नहीं है। बर्फ़ देखो भाई, ब्यूटी देखो, खड़े होकर दिखाते हैं आपको, ओ मैन गजा भैया, सही जगह लेके आया फिर तुम, गजब भैया गजब। एक्चुअली पता है होता क्या है, जब एक राइडर अकेला होता है ना तो हिम्मत नहीं पड़ती, हम लोग आपस में जब बात करते हैं ना, विनय बोलता है कि अरे चलते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा, या कोई और हो रहा तो मैं बोलता हूँ तब बनता है जोश कि भाई चलो जो होगा देखा जाएगा, और अब देखा ही जा रहा है, नज़ारे देखो सारा मस्त मस्त। और अब आपको थोड़े से नज़ारे दिखा देते हैं बर्फ़ का बैरियर क्रॉस करके, अरे तेरी ओ मैन विनय क्या है ये, रुको जरा आईफोन से दिखाते हैं भाई ऐसे कैसे, ये देखो भाई और वाइड करें, ये देखो भाई
क्या खूबसूरत वैली है वो, देखो पूरे बर्फ के पहाड़ हैं, ये देखा। और यहीं कहीं हमें जाना है। गजब गजब गजब, ये खड़ी हमारी टुन्ना मुन्ना, टुन्ना टुन्ना एंड मुन्ना, चुन्ना आई नहीं है वो दिल्ली में जो है ना। हेलो भाई, फिर से पंगा हो गया यहाँ पे। अभी बोल रहे हैं इसके आगे नहीं जाएगी बाइक, गुलमर्ग जाना है तो 4x4 लेके जाओ। यार एक तो ये 4x4 से परेशान हो गया हूँ मैं क्या बोलें बिना बाबू, पंगे हजार हैं पंगे। मज़ा आया बट आप आगे जाने ही नहीं दे रहे हो कोई बाइक नहीं जाती इधर आगे अब। अच्छा तभी मैं बोल रहा था थार ले लेते हैं बाइक ज़्यादा काम की है नहीं अब तुम ये बताओ शुभम, जब यहाँ ये हाल है तो सोनामर्ग में क्या होगा, वहाँ भी बाइक नहीं जाने देंगे। मैं घंटा नहीं जा रहा सोनामर्ग, पहलगाम चलेंगे इज्जत से। बिना दिल दुख गया भाई भाई। बाइक में भी चेन लगती तो है। तो भाई सीन अभी ये है, बाइक हो गई वहाँ पार्क, जनरल पार्क पार्किंग है गुलमर्ग आगे, वहाँ बाइक अलाउड नहीं है तो हम गाड़ी से जा रहे हैं। भैया हमें लेके, भैया ड्राइवर है लेके जा रहे हैं हमें, चलो आ जाओ। लो भाई जर्नी स्टार्ट हो गई, यहाँ से भाई आगे स्कॉर्पियो चलेगी। यार मैंने गाड़ी में बैठ के बड़ा मजा आ रहा है मैंने तीनों लौंडों को पीछे सेट किया है जानबूझ के व्यू लेने आगे बैठ गया मैं आप लोगों के लिए। ओ भाई स्नो स्नो स्नो, ये देखो अभी नजारे आ रहे हैं शानदार, आस पास पूरा बर्फ ही बर्फ, और इसीलिए बाइकें नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ थार और जिप्सी अलाउड है, या नॉर्मल गाड़ी में स्नो चेंस लगवा लो। भाई विनय बर्फ तो खतरनाक है कुछ भी कहो है ना। हाँ नहीं स्लिप हो रही बाइक में दिक्कत होती है। स्किड हो गई भैया, स्किड हो गई गाड़ी। भाई देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे ना गुलमर्ग में उठाएंगे, चल के यहाँ नहीं उठाएंगे, जाम लग गया भैया यहाँ भी। ये देखो दिख रहा है, ये देखो बर्फ की क्वालिटी देखो। नहीं नहीं आप मेरा, हाँ देखो, अरे ये क्या है विनय, डू इट विनय जल्दी लॉक। अरे यार ये सही चीज है, जाओ 1 2 3 ये भाई मजे से आ रहा है। तो अंदर बर्फ चली गई, अरे भाई जम जाएंगे। बिना का चश्मा यार है, आ जाओ आराम से आराम से, कोई झाड़ दो भाई, इसलिए बाइक नहीं आने देते भाई, देख रहे हो। पूरी स्लिप हो रही है गाड़ी भयंकर तरीके से, उस तरफ चल लेते हैं हम लोग ना। भाई ये गाड़ी तो आगे बढ़ नहीं रही है, स्लिप पे स्लिप मार रही है, बट हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। आ जाओ विनय आ जाओ, क्योंकि आगे ट्रैफिक खुल गया है। अरे हमारे ड्राइवर ही नहीं है, हमारे भैया बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सही से गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल ही फसाई एक बार ही नहीं। सारी गाड़ियों की बैंड बच चुकी भाई इस टर्न पे, कोई गाड़ी नहीं चल पा रही है। मेरे को काम पे लगा के मैं भी आ गया। ना लिया भैया सबने ना लिया, ऐसी गई है ना ऐसी जबरदस्त, सही में पूरी स्लिप होता है, पूरा तो ये फंस जाएगा, ये नहीं निकलेगी। जरूर
गंदा फंस गई है तो ये गाड़िया ना एक पे एक ठुक जाएंगी, अभी इतनी स्लिप हो रही। लो भैया अल्टो का भी गेम हो गया, अल्टो गेम ओवर हो गया। अबे मस्त फन आ रहा है यार विनय, मेरे को तो यही मजे आए। विनय इसमें ट्रैफिक पुलिस बन चुका है। ओ भाई कैसे जा रही है हमारी गाड़ी। अरे भैया कुदा दो, ओ तेरी। विनय 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 तुम यहाँ बाइक ला रहे थे। यहाँ से सारी गाड़ी ना चल रही है। तो भाई गाड़ियाँ फिर फंसने की कगार पे आ रही हैं। ये देखो कैसी स्लिप हो रही है आगे वाली गाड़ी, ये हमारी स्लिप हुई देखो। टिंग 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 टिंग। अरे भाई डुल रही है गाड़ी। ये रोड जो आप आगे देख रहे हो ना, ये पूरी बर्फ है। यहाँ बाइक तो खैर सवाल ही नहीं उठता। भाई हमारी गाड़ी पीछे जा रही है, देख रहे हो। वो भाई हमारी गाड़ी फिसलती चल रही है, भैया पीछे ना ठुकवा दे। अरे अरे सही में अभी नेटवर्क गया होगा। भाई देख रहे हो एक्सट्रीम वाइड रोड, खतरनाक। यहाँ गाड़ियां नहीं चली इसका मतलब है ना। ऊपर क्या जा रहा है रास्ता? बाबा ठीक हो? लौंडा बी रेडी। भाई यहाँ हमें हमारी गाड़ी ने उतार दिया है, नजारे तो क्या ही बताएं क्या ही दिखाएं, आप देख ही लो। वहाँ पीछे हमारा होटल है जहाँ हमें पैदल जाना है, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं तूफान। मेरे हिसाब से यार शुभम ये वाला ब्लॉग यही खत्म कर देता हूँ, यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत कुछ दिखा दिया। इमीडिएटली यहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी यहाँ तक आने में, बाइक खड़ी करनी पड़ी, टैक्सी बुक करनी पड़ी, हमने बहुत मेहनत करी कि बाइक से आ जाए, बट यहाँ नहीं आ सकते। यार रोड ही देखो आप कैसे आ सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कल दिखाएंगे मस्त, न कल नहीं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे गुलमर्ग मस्त। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, पीस।